अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो सब्जेक्ट है आपको पता है, ये है एमएससी सेकंड के लिए, और ये सब्जेक्ट है हमारा सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 1। और आपको पता है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स जो है वो किसके साथ डील करती है कि हम इसमें क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज़ और उनके फॉर्मेशन और उनमें होने वाले चेंजेस, उनके डायफ्रेक्शन पैटर्न्स, इनको हम ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर फॉर द मोनाटॉमिक लैटिस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर द डायटॉमिक लैटिस वाइब्रेशन इन वन डायमेंशन। वी हैव डिस्कस्ड दैट बिफोर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायटॉमिक लैटिस क्या है। डायटॉमिक लैटिस मींस टू एटम्स आर एट लैटिस साइट्स। इट मींस दैट आपने प्रिमिटिव सेल पढ़ा था। प्रिमिटिव सेल इज अ सेल विच हैव द एटम्स ऑन इट्स कॉर्नर्स। सो जब आप डायटॉमिक लैटिस की बात करेंगे, दैट मींस दैट द टू एटम्स आर एट लैटिस साइट्स। कंसिडर वन डायमेंशनल प्रिमिटिव लैटिस having two atoms of mass small m and capital M। हमने क्या consider करना है, हमने consider करना है कि हमारे पास दो atoms हैं जिस जिनमें से एक का mass है small m, smaller mass है, और एक है greater mass m के साथ। we will consider that small m is less than m, means the mass of this smaller atom is less and the mass of the greater atom is large and they are placed alternatively along axis। हमने वन डायमेंशनल लेना है, लीनियर पैटर्न लेना है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेना है, और उनके दरमियान में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो हमने लेना है ए। और ये आपका जो पैटर्न पढ़ा हुआ है ये किस स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। लेट एटम्स बी लोकेटेड एट साइट रिप्रेजेंटेड बाय, अब आपने उसको कंसिडर करना है कि आपके पास जो एटम्स हैं वो साइट्स पर पड़े हुए हैं, जैसे आपको फिगर में नज़र आ रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन लिया है, रेस्ट पे पड़े हुए हैं, जो उनकी पोजीशन है जिसको हमने, जिसमें से जो मेन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, हमने कैपिटल एम कंसीडर किया कि वो पोजीशन 2s के ऊपर है, उसकी राइट साइड पे अल्टरनेट पोजीशन पे पड़ा हुआ है स्मॉल एम मैस का, स्मॉल एम मैस का एटम्स विद द स्मॉलर मैस 2s+1 प्लेस पे, और इसी तरह फिर अल्टरनेट पोजीशन पे कौन सा आ गया, कैपिटल एम वाला आ गया 2s+2 पोजीशन पे, और फिर स्मॉल एम आ गया 2s+3 पे। सिमिलरली आपके पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 2s से इक्विलिब्रियम पोजीशन से राइट लेफ्ट साइड पे 2s-1, फिर उसके बाद अल्टरनेट पोजीशन से 2s-2, और फिर आ जाएगा 2s-3। अब आपने क्या करना है कि आपने डिस्प्लेस कराया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड, यू कैन सी दैट इट हैज़ कवर्ड सम डिस्टेंस, एंड दैट इज दैट यू कैन सी फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन द एटम्स हैव स्लाइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। As you can see here, this capital mass M has transferred here and covered the distance u to s, and this smaller mass M has covered the distance u to s minus 1, and small mass M here has covered the distance u to s plus 1. That is a linear atomic diatomic lattice in equilibrium and disturbed state. That is the figure of the above one is the equilibrium position, and the below picture is showing the disturbed state of the atoms. Now let us now we are considering that u2s is the displacement of an atom and 2sth of an atom 2sth, that means u2s is the displacement for the 2sth atom, and similarly u2s minus 1 is displacement for the 2s minus 1 atom, this one, and similarly 2s u2s plus 1 is the displacement for the 2s plus 1 atom. Assuming spring behaves elastically, अब हमने consider किया हुआ है कि atoms जो हमने लिए हुए हैं उनके दरमियान में जो है जो displacement है that is like a spring, so we are considering that or assuming that the spring behaves elastically, so the force between the any two atoms will be linear as they are placed in the linear position and along the x-axis. Now u2s is the displacement due to the 2s atom with the spring constant beta. As you can see from the figure I draw before, the force exerted by the spring on an atom is given by F2S
directly proportional to U2S, that is like a Hooke's law. When you are going to remove the proportionality, you can put the constant, spring constant beta U2S. Now this is the equation you made for the force of spring between the two atoms. Now, for simplicity, consider the nearest atom. We are considering the nearest atom, that is the on the equilibrium position, capital M2S. Now, taking the Newton's second law, we know that F is equal to ma, and you know that what is a acceleration? A is equal to d square u over dt square. U is the displacement, so acceleration will become is equal to d square u over dt square. Okay? Then F is equal to m d square u over dt square. That is the equation of Newton's law in the form of which gives the acceleration due to the displacement. Now the net force for the given atomic spring system by Hooke's law will be, we will substitute the values in the above equation F2S is equal to beta 2S for the capital M mass. That will be F2S. अब हम इसके लिए लिखने लगे हैं F2S is equal to beta into, अब आपने क्या देखा कि आप इस position के right side पर कौन है 2S plus 1. You, that will be U2S. आप displacement का difference देख रहे हैं ना, ठीक है, तो वो क्या होगा U2S plus 1 minus U2S plus 1. आपने difference लिखा minus into U2S, इस side से आपके पास आ गया 2S minus 2S minus 1. From for small m mass, अब हम इसके लिए देखेंगे वो क्या होगा, इसकी right side पर कौन है 2S plus 2 और इसकी 2S plus 2 minus क्या होगा U2S plus 1 और फिर इसकी left side पर कौन है 2S plus 1 minus 2S. That will be the equation 2. हम इसको equation number 1 for capital M के लिए equation number 1 दे देंगे और for small m के लिए हम equation number 2 दे देंगे, ठीक है. अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 फॉर कैपिटल एम. तो हमने, हमारे पास इक्वेशन थी उसको हमने ओपन किया, ये आपके पास स्क्वायर में आ गया, क्या बन गया F2S इज इक्वल टू बीटा यू इनटू U2S प्लस 1 माइनस 2U2S प्लस U2S माइनस 1, दैट विल बिकम इक्वेशन 1A. नाउ फॉर स्मॉल एम सॉल्व द इक्वेशन 2 जो कि हमने प्रीवियसली थी उसको भी इसी तरह ओपन करके हमने इक्वेशन बना ली 2A वाली. अब हम क्या करेंगे, हमने न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन जो है हम लिखेंगे 2s वाले के लिए भी लिखेंगे, 2s प्लस 1 वाले के लिए भी लिखेंगे, स्मॉल m के लिए भी और कैपिटल m के लिए भी. पहले हम कैपिटल m के लिए क्या लिखेंगे, f2s इज इक्वल टू m dt d स्क्वायर u2s. 2s था ना उसकी पोजीशन कैपिटल m की जो इक्विलिब्रियम से हमने लिया था, ओवर dt स्क्वायर. ठीक है, ये एटम कौन सा है 2s के लिए. फिर फॉर स्मॉल m आपने जो ऊपर 2s प्लस 1 के लिए लिया था उसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिख ली. आपके पास आ गई इक्वेशन आ गई 1a 2a 3 एंड 4. अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1a एंड 3 को और उसके बाद कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 2a और 4 को. फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, इक्वेशन 1a एंड इक्वेशन 3 को कंपेयर कर रहे हैं. हमने क्या किया, यहाँ से हमारे पास हमने कंपेयर किया, आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई जिसको हमने इक्वेशन नंबर 5 दिया. फिर सिमिलरली हमने इक्वेशन नंबर 2a और 4 को कंपेयर किया, आपके पास क्या आ गया बीटा u2s माइनस 2u2s प्लस 1, इसके साथ क्या आ गया इज इक्वल टू m d स्क्वायर u2s ओवर dt स्क्वायर. ठीक हो गया. u2s प्लस 1 ओवर dt स्क्वायर आ गया. ठीक हो गया. अब आपके पास क्या आ गया, आपने क्योंकि हम जो है वो डायटोमिक लैटिस ले रहे हैं और हम जो उनके दरमियान में डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो एक जैसे ले रहे हैं, तो जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी दोनों एटम्स के लिए वो हम एज्यूम करेंगे कि दोनों टाइप के एटम्स के लिए सेम रहेगी, मतलब एम्पलीट्यूड सेम रहेगा. बोथ ऑफ द एटम्स पार्टिसिपेट इन द सेम वेव मोशन. ठीक है, इलोंगेशन और कंप्रेशन एंड इलोंगेशन है, सो हम कंसिडर करेंगे जो वेव फ्रिक्वेंसी सेम है तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड भी जो है वो वेव फ्रिक्वेंसी सॉरी सेम है. ठीक है, क्योंकि उनकी वेव मोशन सेम है. नाउ हम क्या करेंगे, हम इन दोनों जो इक्वेशंस हैं आपके पास 5 और 6 वाली, इसका हम सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे और ये जो सॉल्यूशन होगा, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ इक्वेशन 5 और 6 को.
यहाँ तक आपको मेरे ख्याल बात समझ आ गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास 5 वाली, और ये वाली है आपके पास इक्वेशन 6 वाली। ठीक है, ये आपके पास आ गई। ये तो आपके पास दो, आपने कहा है कि जो स्प्रिंग है डायटोमिक के साथ है तो उनकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी सेम है, क्योंकि वो जो उनके अंदर वेव मोशन है वो एक जैसी है। तो अब हम क्या कंसिडर करेंगे, अब हम सोल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए। दैट विल बी 4M, जो सोल्यूशन होगा U2S के लिए, दैट इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा 2SKa-ωt। वी विल गिव दिस इक्वेशन नंबर 7, एंड फॉर स्मॉल m दैट विल बी U2S+1 इज इक्वल टू बी एक्सपोनेंशियल आयोटा 2S+1 Ka-ωt, एंड वी विल गिव द इक्वेशन नंबर 8। Similarly, for the capital M on the right-hand side, for the 2s plus 2 position, that will be A, exponential A, as we have taken the amplitude A for the capital M mass and B for the small m mass, and that will be 2s plus 2 Ka-ωt, and we will give it the equation number 9. A and B are the amplitudes for capital M and small m masses respectively, as they have different masses. Okay, now for small m, similarly we will write from the left hand side, position will be U2S-1 is equal to B exponential iota 2S-1 into Ka-ωt, and that is equation number 10. That is the equation number 10. Now, first of all, we are going to solve for the equation number 7. Using the equation for capital M, take equation number 7. Now, you have U2S is equal to A into exponential iota 2SKa-ωt. And differentiating this equation, we get minus iota omega A exponential iota 2SKa-ωt. Differentiating it again, we will have iota square omega square A into exponential iota 2SKa-ωt, and you know that omega square is equal to -1, so the equation will become d square U2S over dt square is equal to minus omega square A exponential iota 2SKa-ωt. Now multiplying the equation on the both side with capital M, for solving for capital M, we get the value for the Newton second law which we derived before. We have capital M into d square U2S over dt square is equal to capital minus capital M omega square A exponential iota 2SKa-ωt, and we are going to give this equation number 10A. Now for cap small m, we are going to solve for the position U2S-1 displacement. We have the equation from equation number 8, U2S+1 is equal to B exponential iota 2S+1 in Ka-ωt. Differentiating first, similarly we get this equation, and differentiating it again we get this equation, and the equations become for d square U2S+1 over dt square is equal to minus omega square B exponential iota 2S+1 Ka-ωt. Now, similarly, as we multiplied above with the capital M, we are solving for small m. We will multiply both sides by small m. We get the equation minus m omega square b exponential iota 2S+1 into Ka-ωt, and we will give it equation number 11. Now, using the equation 10A, in equation number 5, जो हमने प्रीवियसली थी न्यूटन्स जो था अपने सेकंड लॉ जो फाइंड आउट किया था उसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, तो आपके पास जो पीछे वैल्यू थी वो ये वाली थी, उसको दे दें आप इक्वेशन नंबर 12 का नेम। हम क्योंकि साइमल्टेनियस काम करें डायटोमिक के लिए, तो हम दोनों को इकट्ठा लेकर चले गए। अब इसी तरह हम इक्वेशन नंबर जो 11 है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 जो प्रीवियस आपने निकाली थी, और उसके बाद हम क्या करेंगे इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 13 का नेम। अब हम लेंगे इक्वेशन नंबर 12, टेक इक्वेशन नंबर 12 एंड सॉल्विंग द इक्वेशन माइनस कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर ए एक्सपोनेंशियल आयोटा 2SKa-ωt इज इक्वल टू बीटा इंटू बी एक्सपोनेंशियल 2S+1
आयोटा 2s प्लस 1 इंटू के ए माइनस ओमेगा टी माइनस 2a एक्सपोनेंशियल आयोटा 2s के ए माइनस ओमेगा टी प्लस बी एक्सपोनेंशियल आयोटा 2s माइनस 1 के ए माइनस ओमेगा टी. नाउ यू कैन सी हेयर वी हैव दिस एक्सपोनेंशियल वी आर ट्राइंग सो वी विल ट्राई टू मेक द कॉमन वैल्यूज ऑन द राइट हैंड साइड. वी विल मेक दिस कॉमन वैल्यूज एंड टेक द एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए कॉमन हेयर फ्रॉम द फर्स्ट टर्म एंड ऑन द राइट हैंड साइड एंड द थर्ड टर्म ऑन द राइट हैंड साइड माइनस आयोटा के इज टेकन कॉमन. द अबव एक्सपोनेंशियल्स बिकम विद द सेम वैल्यू सो वी आर गोइंग टू टेक इट कॉमन फ्रॉम द ऑल थ्री वैल्यूज. द एक्सपोनेंशियल ऑन द बोथ साइड गेट कैंसल्ड सो वी हैव माइनस कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए इज इक्वल टू बीटा बी इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए माइनस टू ए प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ए. देन यू विल रीअरेंज दिस इक्वेशन एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ए इंटू बी माइनस टू ए एंड यू आर गोइंग टू यूज यूज द और ओपन द एक्सपोनेंशियल. यू हैव द वैल्यू यू हैव लर्न दैट फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन कॉस के ए प्लस आयोटा साइन के ए प्लस के ए माइनस आयोटा साइन के ए माइनस आयोटा साइन के ए एंड प्लस आयोटा साइन के ए गेट कैंसल्ड एंड वी हैव दिस वैल्यू बीटा इंटू बी इंटू कॉस के ए प्लस कॉस के ए दैट बिकम्स टू कॉस के ए मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस टू ए. सो द इक्वेशन विल बिकम माइनस कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल टू बीटा बी कॉस टू के टू कॉस के ए माइनस टू ए बीटा. So the equation will become A into 2 beta minus M omega square minus 2 beta B cos K A is equal to 0. That is equation 14A. Now similarly we will solve for the equation for the small m using equation number 13. We are using here equation number 13. We are using here equation number 13. आपके पास सॉल्व करके आपने सिमिलरली वही स्टेप्स करने हैं. 2s प्लस 1 इंटू के ए माइनस ओमेगा टी इधर भी आपने उसके लिए वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है और आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी इस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बी इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा 2s प्लस 1 इंटू के ए माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू बीटा इंटू ए एक्सपोनेंशियल आयोटा 2s प्लस 1 के ए प्लस के ए माइनस ओमेगा टी. इसको हम सिंगल कर लेंगे और इस टू इसको डबल 1 प्लस 1 करेंगे और उसको फिर हम कॉमन करके बाहर निकाल देंगे. यहाँ पर हमारे पास के ए नहीं है, इसको एडम सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस आयोटा के ए को कॉमन करेंगे और उसके बाद तीनों टर्म्स में से ऑन द राइट हैंड साइड हम एक्सपोनेंशियल आयोटा 2s प्लस 1 इंटू के ए माइनस ओमेगा टी को हम कॉमन लेंगे और इसको दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे. तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बी इज इक्वल टू बीटा इंटू ए कॉस के ए प्लस इसी तरह हम एक्सपोनेंशियल्स के लिए वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे प्लस आयोटा साइन के ए और माइनस आयोटा साइन के ए कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वैल्यू जो आएगी दैट विल बी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बी इज इक्वल टू बीटा इंटू ए टू कॉस के ए माइनस टू बी. और यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी जब आप सॉल्व करेंगे बी इंटू टू बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस टू बीटा इंटू ए कॉस के ए इज इक्वल टू जीरो. दैट इज द इक्वेशन फॉर स्मॉल एम. नाउ वी विल गिव द इक्वेशन नंबर 15A. नाउ द प्रीवियस वन इक्वेशन नंबर 14A.
14A. I'm going to show you again question number, that is equation number 14. I'm going to show you again and I'm going to highlight it so that you are easy to understand. This is the equation number 14A. You solve for capital M. That is the equation number 14A. And similarly for small m, equation number 15A is this one. I'm going to highlight. These are the two homogeneous set of equations for the capital mass M and capital small mass M to give rise to the non-zero solution of the amplitudes considered capital A and B. So we are going to solve for this non-zero homogeneous solution. We are going to open the determinant and put the values for the A and B, and then cross multiplying the equations, we get 2 beta minus M capital M omega square into 2 beta minus small m omega square into close minus 4 beta square cos ka is equal to 0. Then making the commons and taking the common out, we get 4 beta square into 1 minus cos ka minus 2 beta omega square into m plus m plus m capital m omega power 4 is equal to 0. Now using the trigonometric relation for minus cos ka, we know that is equal to sine square ka. After that, substituting the value, we get 4 beta square sine square ka minus 2 beta omega square into m plus capital M plus m capital M into omega power 4 is equal to 0. Now rearranging the equation and dividing both sides by small by m and capital M by this product, we are going to multiply on both sides. And the equation will become omega power 4 minus 2 beta omega square into m plus m over m plus 4 beta square sine square ka over m into m is equal to, that is the quadratic equation I have given, that equation number A. We are going to solve this quadratic equation, and that is omega square is equal to 2 beta into m plus m plus minus 4 beta square m plus m square whole square minus 16 beta square sine ka over 2 mm. Now solving, taking 2 mm on both sides common and dividing and multiplying, we have the equation omega square is equal to beta into 1 over m plus 1 over m plus minus into beta square 1 over m plus 1 over m square minus 4 beta square sine square k over mm. That is the equation B for omega square. And this omega frequency have two values, one is the plus value and one is the minus value. First value for omega plus square will be this, and I have given this equation number A. I have given this equation number small a. That is also the wave frequency. So the second value will be omega minus square. And that is beta into 1 over m plus 1 over m minus in under root beta square into 1 over m plus 1 over m whole square minus 4 beta square sine square ka over mm. I am going to give this equation number B. I have two values of omega, and that is omega plus square and omega minus square. And omega plus square is from equation A and gives the dispersion relation for the linear diatomic lattice. That is, that gives the dispersion relation. Now omega plus square and omega minus square have two cases each, and that gives the four cases respectively. Solving the cases for omega plus, we have the case 1. And for omega plus, the first case is taking k is equal to 0, or we can say k approaches to 0, substituting the value in the equation small a, which I told you previous. We are going to substitute this value, and by solving this equation, we have omega square plus omega square is equal to 2 beta 1 over m plus 1 over m, and that will become omega plus is equal to under root 2 beta 1 over m plus 1 over m, and that gives the equation D.
Now solving for the second case for omega plus, that is k is equal to pi over 2a, and substituting this value in the equation we get 4 beta square sine square pi by 2 over mm, and as you know that sine 90 is equal to 1, so we have equation in this equation 4 over mm. Now we have taken the beta into common, and inside we have 1 over m plus 1 over m powers whole power square minus 4 over mm, and we are going to open this square and we get this value, and solving this equation we get 1 over m square plus 1 over m square minus 2 over mm, and that becomes a whole square for minus 1 over m minus 1 over m and whole square, then square and under root get cancelled. So we have this equation beta into 1 over m plus 1 over m plus beta 1 over m minus 1 over m, and opening this equation and rearranging and cancelling the terms we get 2 beta over m, and omega plus is equal to 2 beta over capital m under capital m with under root, and that is equation e, that is the second case for the omega plus value. Now for omega minus, case 1 will be that we will take k approaches to 0. To take a non-zero solution, we will consider that sine k a approaches to k a as sine theta is nearly equal to theta, small angle. So we will take that value sine square k a over nearly equal to k a, and substituting the values and we get beta into 1 over m plus 1 over m minus beta into 1 over m plus 1 over m under root 1 minus 4 k a square over mm, and that is the square. Opening the square we get cancel the terms which are needed, and remaining equation will become is equal to beta 1 over m plus 1 over m minus beta 1 over m plus 1 over m into 1 minus 4 k square a square mm over mm square with the power of under root 1 over 2. We are going to use the binomial expansion here. Using the binomial expansion, we are going to open this term by the binomial expansion. Opening this term, we are getting this equation 2k, and the two terms are being cancelled, and this term will become 2k square a square into mm over mm plus m square m plus m square into beta into mm m plus m over mm. These two terms get cancelled, and the remaining term is omega minus square is equal to 2k square a square beta over m plus m, and the term for omega minus, the first for the first case for omega minus becomes under root 2 beta over m plus m into ka, and that is equation f. Second case for omega minus will be that we will take k approaches to pi over 2a, that we are considering for the first Brillouin zone. So we are taking the cases with the first Brillouin zone of the values k approaches to 0 and k approaches to pi over 2a. You have read before about the Brillouin zones, and you know the first Brillouin zone value is from 0 to pi over 2a. So we are going to put this value and solve. We have equation this. By substituting the value, I get this. Hope you have written till now. Now you are going to solve this equation, and then you complete the square here, and then multiplying the beta inside, cancelling the terms, you get omega minus with the value 2 beta over m under root. That is equation g. Now the equation we took were solved for the four cases, omega plus square and omega minus square. There are four equations we got, d e f g. That is I told you that is the dispersion relation. So here we are going to these are the four equations. I told you before that omega plus square and minus square gives the dispersion relation curve. So we are going to use these four values from equation E, F, G, and we are going to draw the dispersion curve by using the equation
we are going to the use the four values, that is omega minus is equal to under root 2 beta over m, and omega minus is equal to 2 beta over m plus m, as you calculated before, this one and this one, and E, F and G, E, F and G are the four equations, and one equation is this one, that is equation D, omega plus 1, omega plus with the under root 2 beta into 1 over m plus m. And I told you before, we are going to use these values for drawing the dispersion curve. And dispersion curve I have drawn here by using these four values. Omega plus is gives the maximum value for omega plus 2 beta into 1 over m plus 1 over m under root. That is the maximum value. On the right hand side, you have 2 beta over m. On the right left hand side, you have 2 beta over m. And that are the k values for the first Boolean zone. When you draw this curve, that is the dispersion curve giving, and that curve is known as optical branch. And for the first Boolean zone, the another curve drawn, that is for the capital M mass diatomic, as we are using the diatomic lattice, so that relation gives for the atomic mass of capital M. That curve is for the mass capital M, theek hai, and the below one is for the diatomic second atom, that is of small m, and here that is for small m, theek hai, that the below is the for m, and that is the gap between the two atom, that is for the capital M curve, and that is that curve is for the mass with small m, and it have a forbidden gap, and we will discuss in later. Now you can see here for the k is equal to 0, the value 0, and for small mass that value is 2 beta over m, that is the value on both sides, and that are the first, here is also first Boolean zone, here is also first Boolean zone, that curve is called the acoustical branch. We are going to discuss that in the further topic. Today I think I am able to let you understand till here, and I will draw a bit small picture here, that is capital M is the this one, and that is small m, and here you have small m. So we have drawn the optical branch for the capital M and the acoustical branch for the diatomic lattice with the small m mass, theek hai. Till here we have completed the topic. Hopefully I am able to let you understand the diatomic lattice and the calculations being done here to draw the to find the value for the dispersion relation. Thank you so much, and let me know how much have you understood about it, and ask me questions if needed anywhere. Thank you so much.